वही तुम वही तो नहीं। एक गाय माता की प्रभुता बता रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। एक बालक जिसकी मां जन्म देने के बाद मर गई, घर में गाय माता पली थी। गाय माता ने उसको अपना दूध पिला पिला कर बड़ा कर दिया, जवान कर दिया। लड़का जवान हुआ, गाय माता बूढ़ी हो गई। एक दिन उसने काटने वालों को बुलाया और 2-4-500 रुपए में सौदा कर दिया। जाते जाते गाय माता ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ तुम्हें पैदा करने के बाद मर गई थी, हमने पाल पोस के बड़ा किया है, लेकिन अपने आप पर धिक्कार है कि हम तुम्हारा पेट नहीं भर पाए। कहा गाय माता ने कि बेटा मैंने सोचा ना था जैसा तुमने किया कैसा निर्दय जिया, अपने हाथों से मरने हमें दे दिया, हमें दे दिया। चूंकि हमारे कक्का जी व्यस्त कार्यक्रम रहते हैं और बहुत सौभाग्य की बात है कि 10 मिनट हमारे लिए निकाले हैं। आज गौशाला का उद्घाटन है, गौ मंदिर का। गाय माता ने कहा कि बेटा हमारी गलती बताओ, हमें कटने क्यों भेज रहे हो, हमारी गलती तो बता दो। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मेरी नजरों में सब मेरी संतान हो। अगर बेटा सुबह हिंदू ने लगाया तो हमने 5 किलो दूध दिया, और शाम को मुसलमान ने लगाया तो भी हमने 5 किलो दूध दिया, हमारी गलती तो नहीं है। लेकिन हमें सजा किस बात की मिल रही है? बेटा तुम मनुष्य होके मनुष्यता नहीं निभा पाए, हम पशु होके पशुता निभाएंगे। तुम्हारा पेट नहीं भर पाए, अगर आज 500 रुपए में तुम्हारा पेट घर चल रहा हो तो बेटा हम तुम्हारी खातिर कटने तैयार हैं, मरने तैयार हैं। क्यों? कि तुमने हमारा दूध पिया है, हमसे माँ कहा है, तुमने हमसे दूध पिया है और माँ कहा है, बेटा आज हम माँ का फर्ज निभाएंगे। अगर बच्चे की 500 रुपए की आवश्यकता पूरी हो रही है तो करेंगे। कहा गाय माँ ने, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मेरी नजरों में सब मेरी संतान हो। दूध सबको बराबर बराबर दिया कैसा निर्दय जिया, अपने हाथों से मरने हमें दे दिया, हमें दे दिया। लोगों की अगर रक्षक है तो केवल गाय मां। सीता जी से भगवान राम ने राम मां नहीं कहा होगा, भोलेनाथ ने पार्वती मैया से मां नहीं कहा होगा, लक्ष्मी जी से विष्णु भगवान ने मां नहीं कहा होगा, लेकिन विश्व में तीनों लोकों में सारी सृष्टि में अगर सर्वमान्य मां है तो गाय माता। सर्वमान्य मां एक व्यक्ति बता दो, चाहे दैत्य हो, चाहे दानव हो, चाहे देवी देवता हो, ऐसा कोई नहीं है जिसने गाय से मां नहीं कहा होगा। और मां शब्द अगर दिया है तो केवल गाय ने दिया है धरती पे। बकरी का बच्चा क्या बोलता है, घोड़ा का बच्चा क्या बोलता है पैदा होता है? अगर नाम मां का दिया है तो गाय माने। गाय का बछड़ा जब पैदा होता है तो पहली आवाज आती है मां, तो नाम भी मां ने दिया है और मां भी है गाय। अब गाय मां ने कहा, बेटा बताओ हमने कब सेवा नहीं की तुम्हारी?
दूध हमने दिया दही हमने दिया, दूध हमने दिया दही हमने दिया, ओ मेरे घी से जले तुमरे घर में दिया। हर जगह सेवा की बेटा हमने, हर जगह मदद की। मेरे घी से जले तुमरे घर में दिया, सोचो हमने तुम्हारा बुरा क्या किया, कैसा निर्दयी जिया अपने हाथों से मरने। और ये 1101 रुपया बहुत बेस कीमती आशीर्वाद परम सम्मानीय हमारे अग्रज कक्का जी के द्वारा प्राप्त हुए हैं। आप सभी तालियां बजाएं, सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद कक्का जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत नाम सुनते थे, आज दर्शन भी हो गए। अंतिम लाइन सुने, चूंकि हमारे कक्का जी बहुत व्यस्त रहते हैं, हम जानते हैं कार्यक्रम बहुत व्यस्त होते हैं और एक एक पल कीमती होता है। अभी और भी कई कई जगह जाना होगा। कक्का जी अंतिम लाइन सुने आप, गाय माता के हृदय की वेदना। एक बात सुन लो माता बहने, आप लोग बैठी हो सुनो हमारी बात, और बुजुर्ग लोग सुन लो, नौजवान सुन लो, जिनके घर में गाय की सेवा होती है या जो गाय की सेवा करते हैं उनका कभी वंश बंद नहीं होता है, उनके घर में औलादें बांझ पैदा नहीं होती हैं। सुन लो आप, ना उनकी बिटियां बांझ होती हैं, ना उनकी बहुएं बांझ होती हैं, जिनके घर में गाय की सेवा होती है, जिनके घर में गाय की सेवा होती है, जो गाय की सेवा करते हैं उनके यहाँ कभी विकलांग औलादें पैदा नहीं होती, उनके कभी दुर्घटना में कम समय में मृत्यु नहीं होती है। भगवान राम का वंश भी अगर कई बार रुका है तो गाय माता ने चलाया है, चाहे नंदिनी बन के, चाहे राजा दिलीप के समय, चाहे राजा दशरथ के समय। गाय माता को जानवर मत समझो, माता बहनों भाइयों, अगर गाय की सेवा नहीं कर पाए तो गांव को गाय को कभी गाली ही मत देना, तो ये गोरो काटे, तो ये करिया कटाए, तो ये फलानो पटाए, कभी नहीं किया करे गाय माता से। ये बात लाइन आई है, गाय माता ने कहा हिंदुस्तान के दोगले लोगों से कि दोगले लोगों कहते कुछ हो करते कुछ हो, हमारे नाम का उपयोग करते हो, हमारे नाम पर सरकारों में पहुंच जाते हो। कहा हा, 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 हा। बहुत दिन भर से पियों की गलती नहीं है। ओ बढ़िया, और जिन सही क्या जिन बच्चे सो आ गए वो खुद पता नहीं है कि हम कुआ कहते हैं काय कुआया है। चल लो आखिरी लाइन सुनो आप, गाय माता की वेदना अगर आपके हृदय को छू जाए तो गाय माता के सम्मान में ताली जरूर बता देना। गाय माता ने कहा कि दोगले लोगों हमारी तुलना करते हो अपनी बिटिया से, कन्यादान अधूरा है जब तक गोदान नहीं हो जाए, केवल नौटंकी केवल झूठी बातें। अगर बेटा अपनी बिटिया से तुलना करते हो तो बराबर की करना, बीच की नहीं। कहा गाय माता ने तुलना बिटिया की हमसे अगर कीजिए, हमें कसाई के लिए भेज रहे हो, कसाई के हाथ बेच रहे हो, तो बेटा अपनी बिटिया से तुलना बराबर की करना। गाय माता के हृदय की पीड़ा देखें आप। कहा गाय माता ने अपनी तुलना बिटिया की हमसे अगर कीजिए, तो सभी लोग हाथ खोल के बैठेंगे, गाय माता के हृदय की आवाज आ रही है। तुलना बिटिया की हमसे अगर कीजिए तो अपनी बिटिया कसाई को भी दीजिए। कहा हमें कहा कसाई को दे रहे हो, बेटा अपनी बिटिया भी एक बार कसाई को देके देखो, जब तुलना बराबर की होगी। एक मंडप के नीचे एक समय एक घड़ी में दो दान हुए, कन्यादान और गौदान, लेकिन 12 दोगले लोगों तुम्हारी बिटिया उसी मंडप से निकली, इस गाड़ी में बैठ के चली गई एसी में, हम चले गए कतल खाने में, जय तुम्हारा न्याय।
गाय के हृदय की पीड़ा है कि बेटा अगर हमें कसाई को दे रहे हो तो एक बार अपनी बिटिया भी थोड़ा कसाई को दे के देखो, तब होगा तुम्हारा न्याय। तुलना बिटिया की हमसे अगर कीजिए, अपनी बिटिया कसाई को भी दीजिए। जन्म से लेके मरने तक कोई पल ऐसा नहीं है जहां गाय की माता ने हमारी कृपा नहीं की हो हम पे। आदमी जब मरता है, बहुत कम लोग जानते होंगे, तो राख उठा के चेटका पे गाय के गोबर से लीप के राय नून क्यों डालते हैं? पैदा हो से बच आखिरी तक की बात बता रहे हैं। मरने के बाद चेटका पे राय नून उठा के गाय के गोबर से इसलिए डाला जाता है कि राय नून खाने के बहाने गाय माता इसके चेटका पे आएंगी। अगर गाय माता की चार खुरी इसके चेटका पे पड़ गई तो इसके बचे खुचे पाप जितने भी हैं वो भी सब माफ हो जाएंगे, इसका उद्धार हो जाएगा। कितनी ताकत है गाय माता में, लोग जानवर समझ गए। चलिए आखिरी लाइन। हीरा दिल में जो था बस वही लिख दिया, कैसा निर्दयी जिया, अपने हाथों से मरने हमें दे दिया।